I mean, I've read so many of your stories. I know that you have gone through a difficult journey. But I want to know, what helped you? What saved you? There were many moments when I was weak. There was family support, but I posted on SSP. And the response I got, I got a lot of courage. And I started to go ahead. SSP saved you, but you just gave me so much motivation right now that SSP ko leke aage chalna hai. Inshallah, hum jaise logo ke liye bahut zaruri hai. Yeah. Soul sisters waqai mere liye bahut zaruri hai. Jo bahut dost mile hain usse bahut. Zainab, I know about your journey. Kyunki, I mean, I remember jo first post aapne kiya tha. And then when you came to our event also. तब तक मैं डिप्रेशन में थी। I know you told me। रुखसती के बाद, the first thing I did was I cried a lot when I went कि मैं अब चेंज करती हूँ, मैं सारा अपना चेंज करूँ, सब देखूँ तो सबसे पहले मुझे वॉशरूम वॉश करना पड़ा था। क्यों? It was मतलब पहले मैंने वॉशरूम धोया, कमरा साफ किया, सब इतना गंदा पड़ा हुआ था। What he did was कि वो He was आधा सो रहा था और he was just talking weird while he was asleep. Yes. और मैं सिर्फ सोच ही थी ये बंदा नफ से आती है, ये मेरे साथ क्या हो गया. तो मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया. किसी बातें कर रहे थे वो? वो मुझे बस वो मुंह में कुछ बोल रहा था. लाइक उसकी बात समझ नहीं आ रही थी. वो क्या बोल रहा है? वो क्या चाह रहा है? वो क्यों ऐसे? मुझे डर लग रहा था उससे बेसिकली. I thought I'll go to the morning and I won't come back. But when I went home, everyone was very happy. Very happy. I didn't want to finish their happiness. I just came back. Then I just continued with him. Okay. I was doing a new movement every day. What type of movement? I was doing a dinner on the table. He went to the room. I went, Ahmed, you got the office time. Give a dinner. I said, I'm doing it now. I did a dinner. चुप. क्या बोलती? आपने उनकी मम्मी से नहीं पूछा कि इनको ये अजीब-अजीब बातें करते हैं या ये? मैं सुबह उठके उसकी माँ और बहन से कहती थी तो हंसती थी, ये भी ना बस पागल है. फिर वो मेरी शादी के फर्स्ट डे से बस मेरा एक ही काम था, मेरे पाँव दबाओ, मेरा सर दबाओ, मेरा पाँव दबाओ, मेरा सर दबाओ, बस. इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी उस घर में. उसकी माँ के पाँव दबाऊँ, उसकी माँ के आगे नाश्ते खाने रखूँ, उन लोगों के काम करती रहूं, उनके कपड़े धोऊं, उनके बर्तन धोऊं. मेरी शादी के थर्ड डे उनकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, फोर्थ डे उनकी मासी चली गई. सब कुछ चुपचाप करती रही. शादी के 15th डे उसकी मदर ने मुझे कहा कि तुम अपनी माँ से कहो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं, तुम अब तक प्रेगनेंट क्यों नहीं हुई हो. फिर मुझे टॉर्चर शुरू हो गया, रिपोर्ट टेस्ट करवाओ. प्रेगनेंसी का या? प्रेगनेंसी का. ओके. टेस्ट करवाओ तुम, चलो टेस्ट. मैं कहती थी अहमद क्या हो गया आपको, अभी दिन कितने हुए हैं, अहमद क्या हो गया है. मैं ये कह के टालती थी. बट जिस दिन एक महीना पूरा मेरी शादी को हो गया तो फिर उसने कहा नहीं तुम अभी चलोगी मेरे साथ, तुम टेस्ट करवाओगी. जब पॉजिटिव आई तो उसके नेक्स्ट उसकी मदर ने कहा कि इसको इसकी माँ के घर छोड़ाओ और अपनी अम्मी से कहना तुम्हें खिलाएं पिलाएं. बाबा है मुझे ले गए. अब जितने दिन मैं वहाँ रही मैं रोती थी, मम्मा 100 रुपये भी मेरे हाथ में नहीं रखते. रोती थी मम्मा 100. मम्मा कहती कोई बात नहीं बेटे, तुम समझो तुम्हारा रिस्क अभी भी हमारे घर में लिखा हुआ है. आपको पता है हमारे की सोसाइटी में लड़की वाले जो हैं वो लड़के वालों के एक अपर हैंड रहता है, दब के रहते हैं. लड़की वाले दब के रहते हैं. आप समझो कि मेरे बाबा ने फिर उसको कॉल की कि बेटा हमने शादी की है, मतलब इसलिए नहीं दिया कि आप उसको ऐसे रुलता छोड़ दो, उसकी हालत देखो. क्योंकि मैं सर से लेके पाँव तक मुझे सिर्फ शिवरिंग थी, मैं सिर्फ कांप रही थी, मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी. बहुत बहुत ज़्यादा मेरी इमोशनल स्ट्रेस और फिर ऊपर से उन्होंने फिजिकली भी आपको मैरिटल रेप्स अलग. फिर मेरी खुला का केस चला, मैंने मौलाना के थ्रू खुला ली है, मैंने कोर्ट के थ्रू नहीं ली. तो उनके जो एरिया के जो सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी वगैरह, वो सब आए, सब बैठे, भाई क्या मसला हो गया, सब बड़े बड़े बैठे, मुझे बुलाया और उसको बुलाया. मेरे बाबा भाई सामने बैठे हुए थे. मुझे सबसे उसको बुलाने से पहले मुझसे कहा कि बेटे आप क्या चाहती हो अगर हम आपका पैचअप करवाएँ तो. मैंने कहा अंकल कोई नहीं चाहती कि उस कि कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसका घर ख़राब हो, पर अगर आपको लगता है कि इस घर में मेरी जगह है, आप मुझे बेटी की जगह पे रख के सोचिए, और अगर आपको लगता है कि मेरी इस घर में जगह है तो आप मुझे अभी छोड़ दीजिए यहाँ पे, मुझे एतराज़ नहीं है. उसको बुलाया,
अच्छा जी अहमद बेटे देखें, आपकी भी बहनें हैं, सब हैं, उसकी कंडीशन देखो, आप अब अकेले नहीं हो, आप लोगों के साथ एक और बच्चा जुड़ने वाला है, तो आप बताओ क्या करना है। उसने कहा नहीं रखना मैंने इसे। क्यों? मेरा इससे दिल भर गया। फिर दिन गुजरे थोड़े बहुत, उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं। मैं रोती थी मम्मा एक मैसेज ही कर दे। फिर आप लोग का डिवोर्स हो गया? फिर मेरी खुला हो गई, जहेज वापस ले आए। 9 महीने गुजरे। कैसे गुजारे आपने वो 9 महीने? मैं बहुत डिप्रेशन में गई थी। आई स्टार्टेड माई जॉब। मुझे जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे था कि ये तो खर्चा नहीं उठा रहा, मैं अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनने दूंगी, अपने आप को भी। हालांकि मेरे माँ बाप किसी चीज़ की मेरे लिए कमी नहीं छोड़ रहे थे। जॉब स्टार्ट की, बहुत मुश्किल हुई, बहुत डिप्रेशन में थी। मैनेजर ने नोट किया, मुझे बुलाया, बिठाया, बेटा आप मेरी छोटी बहन है। साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हो। कभी कभार आपको थेरेपी की ज़रूरत होती है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। वो बोलते जा रहे थे और मैं रोती जा रही थी। उनको आपकी सिचुएशन पता थी? उनको पता थी, मैंने इंटरव्यू में बताया था क्योंकि उन्होंने पूछा आप, क्योंकि मैरिड था मेरे CV पे लिखा हुआ, तो उन्होंने पूछा किड्स, तो मैंने कहा आई एम एक्सपेक्टिंग, तो उन्होंने कहा आपके हस्बैंड की तरफ से? मैंने कहा नो आई एम सेपरेटेड। मैंने इतना बता दिया था, पर मेरी कंडीशन देख के वो समझ गए थे कि समथिंग इज़ वेरी सीरियस। वेरी ऑफ, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने काउंसलिंग ली, मैं लाइफ की तरफ वापस आई। फिर मैं थोड़ी नॉर्मल होना शुरू हुई। 9 मंथ्स मैंने बहुत, कभी कभार अटैक हो जाता था, रोती थी, बहुत रोती थी, मम्मा रोने का दिल कर रहा है, मम्मा ऐसा क्यों हुआ, मम्मा वैसा क्यों हुआ। आप किस तरह से मैनेज करती थी इसको? मैं बस रोती थी क्योंकि हर कोई आता था और कहता था एबॉर्शन करा दो, तुम्हें एबॉर्शन कराओ, तुम्हारी ज़िंदगी आ गई, तुम्हें एबॉर्शन कराओ, एबॉर्शन कराओ, एबॉर्शन कराओ, एबॉर्शन कराओ। मतलब मैं सुन सुन के थक गई थी कि या अल्लाह मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं नहीं अपना बच्चा ख़त्म करना चाहती। फिर डर जाती थी अकेले कैसे पालूंगी, क्या करूँगी, हमारी सोसाइटी भी ऐसी है कि नहीं जीने देती। बहुत कमज़ोर पड़ती थी, बहुत कमज़ोर पड़ती थी। फिर यू आस्क्ड ऑन सोल सिस्टर्स अबाउट सिंगल मदरहुड आल्सो, राइट? आई रिमेंबर दैट पोस्ट। मैंने मेंशन किया था कि मुझे लोग कहते हैं अबॉर्शन करा दो, मैं क्या करूँ, तो मुझे सोल सिस्टर से काफ़ी सपोर्ट मिली थी। मुझे सबने कहा था डोंट गो फॉर इट, तुम कर लोगी। मुझे बहुत सारी सोल सिस्टर्स ने इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट किया कि हम भी सिंगल मदर्स हैं, हम जब कर रहे हैं तो तुम भी कर लोगी। मेरी हिम्मत बन जाती थी, मुझे उम्मीद आ जाती थी कि हाँ और भी तो लोग हैं कर रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ। पर एक दिन बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी, तो मम्मा से कहा मम्मा नहीं समझ आ रहा, करा दूँ, एक दिल कह रहा है करा दूँ, एक दिल कह रहा है नहीं कराऊँ। मम्मा ने कहा बेटा रूम में जाओ, वज़ू करो, 2 रकअत नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो। मैं तुम्हारी खाला को बुला रही हूँ, अगर तुम्हारा फ़ैसला येस हुआ तो तुम्हारी खाला तुम्हें ले जाएंगी करवाने के लिए। ठीक है। मैं रूम में गई, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। मैंने कहा अल्लाह नमाज में तो मैं तुझसे बात करूँगी, मैं चाहती हूँ तू मुझसे बात कर, मुझे तुझसे नहीं बात करनी, तू मुझसे बात कर, तू मुझे बता मैंने क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक दफ़ा कुरान खोला, रैंडम खोल रही थी, नहीं समझ आया बंद किया, फिर खोला फिर बंद किया, नहीं समझ आ रहा था। थर्ड टाइम मैंने खोला तो जिस आयत पे मेरी नज़र पड़ी थी उस, वो मैं जनरल वर्ड्स में बताऊँ तो उसमें ये था कि हज़रत नूह जब कश्ती बना रहे थे तो सब लोग उन्हें कहते थे मत बनाओ, तुम पागल हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो हज़रत नूह कहते थे मेरे रब का हुक्म है, मैं करूँगा। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये आई कि यार क्या पता मेरा ये बच्चा मेरी कश्ती बन जाए जो मुझे पार लगा दे, क्या पता ये मेरी लाइफ को बहुत अच्छा कर दे। मम्मा रूम में, उन्होंने पूछा क्या फ़ैसला है? उनका मम्मा नहीं, मैंने रोते हुए सिर्फ सर हिला दिया, उनका मम्मा मैं नहीं करवाना चाहती। मम्मा ने मेरा माथा चूमा, मुझे प्यार किया, हम तुम्हारे साथ हैं। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पेरेंट्स मेरा साथ दे रहे हैं। मेरा भाई मुझसे पूछता था तुम्हारा क्या फ़ैसला है, मैं उससे पूछती थी तुम बताओ, क्योंकि होता है भाई भाभी नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते डाइवोर्सी, यू नो, नन को या बहन को। तो मेरा भाई कहता था तुम्हारा जाना नहीं बनता, मेरा दिल बड़ा हो जाता था क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती थी। फिर मुझे ये था कि चलो मेरे भाई भाभी मेरे साथ हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लाइक मुझे हर एक कदम पे मेरा दिल दुखता था कि उस इंसान को एहसास भी ना हुआ कि मतलब माँ की तरबियत होती है, माँ बेटे को बताती है बेटे आपकी बीवी इन कंडीशन से गुजरेगी, उसको डिप्रेशन भी होगा, उसके हार्मोनल चेंजेस हैं, वो बहुत कुछ स्ट्रेस फील करेगी, लेकिन तुमने उसको टैकल करना है। लाइक मेरे भाई को मेरी मम्मा ने सिखाया था, मेरे भाई को मेरी मम्मा बहुत बहुत बताती रहती थी, वो अपनी बीवी को माशाल्लाह बहुत खुश रखा उसने। तो
मैं हैरान होती थी कि उसके घर की औरतें भी उसको नहीं बताती, उसकी तो बहनें से गुजर चुकी हैं, उसकी बहनों के भी बच्चे हैं, वो नहीं बताती उसको। हाँ। वो नहीं समझाती उसको। नहीं, हमने नहीं किया उससे कोई कांटेक्ट। मेरी डिलीवरी हो गई, अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारी सी बेटी दी, बहुत प्यारी बेटी थी। लाइक जब वो मेरे सामने आई ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस जो है वो यही है।